शासन सचिव ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अपना प्रशासनिक पुनर्जागरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामान्य से थोड़े और ज्यादा बेहतर प्रयास करने से बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने ICDS द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर शासन सचिव महेंद्र सोनी और ICDS निदेशक OP बुनकर ने अगस्त के महीने में KPI से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया, जिसमें चूरू को पहला, झुंझुनू को दूसरा और बारां को तीसरा पुरस्कार दिया गया। आज हमारे ICDS डिपार्टमेंट के पूरे राजस्थान के 50 जो है डिप्टी डायरेक्टर्स की मीटिंग ली है और ICDS डिपार्टमेंट की हर योजना पे विस्तार से समीक्षा की गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, बजट घोषणाएं हैं, इन सब पे बहुत ही त्वरित गति से बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट और संवेदनशील प्रशासन दें, पोषाहार के वितरण में कोई भी कोताही नहीं बरतें, सैनिटरी नैपकिन जैसी जो उड़ान जैसी महत्वपूर्ण योजना है उसका प्रभावी मॉनिटरिंग करें, जो संपर्क पोर्टल के परिवाद है, असेंबली क्वेश्चंस हैं, कोर्ट केसेस के लंबित मामले हैं, इवन जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाओं के जो मानदेय के मसले हैं और आंगनवाड़ी के भवनों को अपग्रेड करने के लिए जो कुछ भी संभव है वो कार्रवाई की जाए, जिसमें सरकार के संसाधन के सिवा और कोई जो प्राइवेट CSR में या अन्य DFMT फंड में जहाँ से भी इसमें मदद मिल सकती है, सरकार का भी काफ़ी चीज़ों में इसमें पैसा मिल रहा है, जिसमें बिजली के कनेक्शन लेना है, पानी के कनेक्शन लेना है।